तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक बड़ी अनबॉक्सिंग। तो ये है TCL की आई फेलकॉन 4K HDR टीवी और इसका साइज है 43 इंच। इस टीवी को बाहर निकालने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि TCL ऑलरेडी अपने हाई क्वालिटी पैनल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो इस टीवी को रिव्यू करने में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। टीवी के साथ है ये पावर केबल, ऑडियो वीडियो केबल, एक रिमोट जिसमें तो गूगल असिस्टेंट का भी बटन है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्री बैटरीज और कुछ डॉक्यूमेंट। तो फाइनली ये है फेलकॉन का ब्रांड न्यू 4K HDR टीवी। बेसिकली इस टीवी के दो वेरिएंट आते हैं, एक एंड्रॉइड टीवी और एक गूगल टीवी। हमारे पास जो है वो है गूगल टीवी, देखो ये लिखा हुआ। और इस टीवी के बेजल्स बहुत ज्यादा पतले हैं और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि 20,000 रुपए के आसपास टीवी में इतने कम बेजल्स भी मिल सकते हैं। अब मुझे इस टीवी अनबॉक्सिंग का परम सुख मिलने वाला है क्योंकि अब मैं निकालने वाला हूँ ये बड़ी वाली पन्नी। अब इसे देख के एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि ये एक 4K HDR टीवी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टीवी को आप किस किस पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एंटीना पोर्ट है, 3 HDMI पोर्ट है, यहाँ लेन केबल लग जाएगी, यहाँ USB लगेगी, और अच्छा यहाँ पे तो हेडफोन भी कनेक्ट हो जाएगा। इसका रिमोट तो काफी हैंडी है जिसमें डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब का बटन मिलता है, और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये गूगल असिस्टेंट का बटन। टेक FC की वीडियो प्ले कीजिए। ओ भाई ये तो मेरी वीडियो आ गई। यूट्यूब पर बाहुबली का सॉन्ग प्ले कीजिए। यूट्यूब पर टॉम एंड जेरी प्ले कीजिए। ओह भाई अब तो मजा आ जाएगा। आपको एक पते की बात बताता हूँ कि इस टीवी में डायनामिक कलर एनहांसमेंट है जिसकी वजह से इसमें कलर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी दिख रही है, देखो आप। फिर मैंने लेफ्ट से स्नेक को टच करके देखा और टॉप से पेड़ की पत्तियों को देखा और राइट साइड से कीड़ों को पकड़ा, फिर सनसेट होते हुए देखा। सभी एंगल से टेस्ट करने के बाद इसकी पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी दिख रही है। इसका टेक्सचर और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे इस जानवर के तो एक एक बाल दिख रहे हैं यार। ओ सांप का टेक्सचर और कलर कॉम्बिनेशन क्या बढ़िया है यार। ओवरऑल इस टीवी का लुक और डिजाइन तो मुझे काफी मिनिमलिस्टिक और इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अब देखो यार टीवी खरीदते टाइम 2-3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहला है डिस्प्ले की क्वालिटी, दूसरा उसमें से साउंड कैसा आ रहा है, और तीसरा उसके सॉफ्टवेयर का यूज करने का एक्सपीरियंस कैसा है। हमने पहला डिस्प्ले की क्वालिटी टेस्ट कर ली है, अब बची है दो चीजें जिसमें से अब साउंड टेस्ट करते हैं। इसका साउंड टेस्ट करने के लिए मैंने अभी हाल एक म्यूजिक वीडियो प्ले कर दिया है, देखते हैं हमें कितने मजे दिलाएगा। ओ भाई ये तो बहुत लाउड है, ये म्यूजिक तो बहुत ज्यादा लाउड है, मेरी आवाज भी नहीं आ रही है। अब मैंने इस पे दूसरी वीडियो प्ले करी है, इसका साउंड टेस्ट करते हैं। और फुल वॉल्यूम पे इसका साउंड इतना ज्यादा लाउड है कि पड़ोसी तो परेशान ही हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे इस टीवी में से इतना अच्छा साउंड कैसे आ रहा है, क्योंकि टीवी डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है और इस टीवी में टोटल 24 वॉट्स के स्पीकर्स हैं। पर लेकिन आपको वो होम थिएटर वाला बेस नहीं मिलने वाला इसमें। अब रही बात इस टीवी के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, देखो इस टीवी को लेके मैं बहुत ज्यादा बायस्ड नहीं हूँ, पर अब मैं आपको कुछ पते की बातें बताता हूँ। अब जैसे नेटफ्लिक्स का बटन प्रेस किया, नेटफ्लिक्स चालू, यूट्यूब दबाया, यूट्यूब चालू, देखो फिर से अब नेटफ्लिक्स चालू, अब प्राइम मैंने प्रेस किया, देखो ये अमेज़न प्राइम ओपन हो गया। तो टीवी में ऐसे फीचर मिलते हैं ना तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो ये टीवी हैंग नहीं होती है। इस टीवी में 2 GB की रैम और 16 GB की इंटरनल मेमोरी भी दी है जिससे आप अपनी पसंद के एप्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। इस टीवी में 60Hz का रिफ्रेश रेट है जिससे इसमें प्रो लेवल की तो नहीं लेकिन एक अच्छी गेमिंग जरूर हो जाएगी। देखो जो टीवी उसे हम साल भर या 6 महीने में तो बदलते नहीं है, मैं खुद भी नहीं बदलता हूं। तो देखो 2-5 साल के लिए अगर टीवी खरीद रहे तो थोड़ी और एक्स्ट्रा रिसर्च करना तो बनती है। तो मैंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे इसके रिव्यू देखे तो वहां पे रिव्यू मुझे 4+ स्टार मिले, तो मुझे इस बात की तो श्योरिटी हो गई कि प्राइस के हिसाब से ये टीवी एक सही इन्वेस्टमेंट है। तो आगे अगर आप ऐसी और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू टेक FC एंड पीस आउट।